अभी एक न्यूज बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, आप लोगों ने भी सुना होगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि अपना ओल्ड फ्री फायर रिटर्न आने वाला है, अपना फ्री फायर अनबैन होने वाला है, फ्री फायर कम बैक करने वाला है। और वो लोग कुछ प्रूफ्स भी दिखा रहे हैं जहां पे अपने योगी जी अपने गरीना के ऑफिशियल्स के साथ, जो कि सिंगापुर से आए अपनी यूपी गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करने के लिए, उसी मीटिंग्स के कुछ फोटो दिखाए जा रहे हैं जहां पे योगी जी अपने गरीना ऑफिशियल्स के साथ में खड़े हुए हैं और उनसे मीटिंग कर रहे हैं। तो लोगों का कहना यह है कि अभी गरीना फ्री फायर ने अपनी इंडियन गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट कर लिया और अभी सबको सेटलमेंट हो गया और यहाँ पे अपना फ्री फायर अनबैन होने वाला है। तो सच में ये सब कुछ इतना सिंपल है क्या? क्या सच में अपना ओल्ड फ्री फायर अब रिटर्न आ जाएगा? देखो मुझे नहीं लगता कि जितना सिंपल ये सब कुछ दिखाया जा रहा है उतना सिंपल ये सब कुछ है। देखो ये बात तो एकदम सच है, एकदम 100% सच है कि अपने गरीना के ऑफिसर्स ने अपने यूपी गवर्नमेंट के साथ यानी कि अपने योगी जी के साथ एक मीटिंग की है जो कि अपनी ग्रेटर नोएडा में हुई थी। लेकिन अगर आप लोग ठीक से फोकस करो, ठीक से ध्यान दो, तो आप लोगों को पता चलेगा उस मीटिंग का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ई-स्पोर्ट के रिलेटेड है, ना कि फ्री फायर अनबैन के रिलेटेड। जितनी भी सारी न्यूज आ रही है, जितने भी सारे आर्टिकल आए, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि गरीना के ऑफिशियल्स ने अपने यूपी गवर्नमेंट के साथ मीटिंग तो की है लेकिन उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ई स्पोर्ट है, यानी कि इंडिया में ई स्पोर्ट को ग्रो करना। फ्री फायर अनबैन के रिलेटेड उस मीटिंग से कोई भी एक सिंगल बात बाहर आ ही नहीं है। देखो सबसे पहली बात, गरीना सिर्फ फ्री फायर को ही ऑन नहीं करती है, गरीना बहुत सारे गेम्स को ऑन करती है। लेकिन फिर भी चलो हम मान लेते हैं कि गरीना के ऑफिशियल्स ने अपने यूपी गवर्नमेंट के साथ, अपने योगी जी के साथ, अपने फ्री फायर ई स्पोर्ट के रिलेटेड जाके बात की थी। मान लेते हैं अपने यूपी गवर्नमेंट ने गरीना फ्री फायर को ई-स्पोर्ट की परमिशन दे दी और गरीना फ्री फायर को एक ग्रीन टिक मिल गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि अगर गरीना फ्री फायर का ई-स्पोर्ट भी यूपी में होगा तो उससे अपना ओल्ड वाला फ्री फायर अनबैन होगा या फिर अपना ओल्ड वाला फ्री फायर वापस आएगा, क्योंकि अभी गरीना के पास फ्री फायर मैक्स तो है जो कि इंडिया में मस्त चल रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में फ्री फायर का ई-स्पोर्ट बहुत ज्यादा ग्रो हो जाए, फ्री फायर के बहुत ज्यादा टूर्नामेंट हो, लेकिन हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर मैक्स से हो। फ्री फायर बैन हुई थी 14 फरवरी 2022 में, यानी कि वैलेंटाइन डे वाले दिन अपना फ्री फायर से ब्रेकअप हो गया था, जोक्स अपार्ट। बट हाँ, 14 फरवरी को 2022 में अपनी फ्री फायर बैन हो गई थी और अभी पूरा 1.5 साल हो चुका है, 1.5 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक फ्री फायर अनबैन नहीं हुई है। इन 1.5 सालों में हम लोग 150 बार सुन चुके हैं कि फ्री फायर अनबैन होने वाला है, फ्री फायर अनबैन होने वाला है, फ्री फायर अनबैन होने वाला है, लेकिन हर बार की तरह हमारे साथ वही होता था, हमारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता था। आज से 1.5 साल पहले जब फ्री फायर को बैन किया गया तो कोई प्रॉपर रीजन नहीं बताया गया था, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं बताया गया था और ना ही फ्री फायर की तरफ से बताया गया था। फ्री फायर की तरफ से तो कोई अपडेट ही नहीं आया था, तो लोग कैलकुलेशन लगा रहे थे कि हाँ अपने चाइनीज गवर्नमेंट के थोड़े शेयर्स हैं फ्री फायर के अंदर, जिस वजह से इसको बैन कर दिया गया। काफी लोग बोल रहे थे डेटा सिक्योरिटी का इशू है इसलिए बैन कर दिया गया। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात हमेशा खटकती थी कि अगर डेटा सिक्योरिटी का इशू है तो फ्री फायर मैक्स को बैन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वो भी तो गरीना फ्री फायर का ही है ना, और देखा जाए तो फ्री फायर ही है ना। लेकिन हाँ ये बात भी ठीक है कि अपना जो पुराना फ्री फायर है जो बैन हो चुका था उसके अंदर अपने टेंसेंट यानी कि चाइनीज गवर्नमेंट के 25.6% शेयर थे, लेकिन अपने फ्री फायर मैक्स के अंदर 1% उनका शेयर नहीं है। तो शायद यही रीजन था कि अपने ओल्ड फ्री फायर को बैन कर दिया गया जिसके अंदर चाइना के शेयर थे, लेकिन फ्री फायर मैक्स को बैन नहीं किया गया जिसके अंदर चाइना के शेयर नहीं थे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, उस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ ई स्पोर्ट की बात हुई है, ना कि फ्री फायर अनबैन की। लेकिन फिर भी हाँ, यहाँ पे अभी गरीना के पास एक ग्रीन टिक है, गरीना के और इंडिया के थोड़े संबंध अच्छे हो गए, तो हो सकता है कि अपना ओल्ड वाला फ्री फायर रिटर्न आ जाए, फ्री फायर अनबैन हो जाए, लेकिन कंफर्मेशन कोई नहीं है। लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं कि अपना ओल्ड वाला फ्री फायर रिटर्न आ गया, अपने फ्री फायर ने कम बैक कर लिया, तो क्या सच में वो पुराने दिन वापस आ पाएंगे? क्या सच में वो पुरानी फीलिंग वापस आ पाएंगे? क्योंकि सबका मानना यही है कि फ्री फायर बैन हो गया इसलिए फ्री फायर का डाउनफॉल शुरू हो गया। हाँ फ्री फायर के डाउनफॉल का ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ एक यही रीजन है। अपना जब ओल्ड वाला फ्री फायर इंडिया में बैन हो चुका था तब भी अपना फ्री फायर मैक्स इंडिया में अवेलेबल था, लेकिन फ्री फायर के 50% ऑडियंस के पास अच्छा डिवाइस नहीं है जिसकी वजह से वो फ्री फायर मैक्स को नहीं खेल सकते थे। तो हाँ फ्री फायर बैन होना ये एक बहुत ही बड़ा रीजन था फ्री फायर के डाउनफॉल का, लेकिन सिर्फ ये एक लौता रीजन नहीं था। तो जिन लोगों के पास अच्छा डिवाइस नहीं था वो तो गेम को छोड़ चुके थे, लेकिन फ्री फायर के अंदर जो अपने न्यू प्लेयर्स आने वाले थे और वो फ्री फायर के अंदर आए भी, उन्होंने फ्री फायर के अंदर गेम प्ले किया, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला कि भाई ये फ्री फायर पूरा तो पे टू विन है यार। तो जो पुराने प्लेयर्स थे उन लोगों के पास गन स्किन थी, करेक्टर थे, वहीं पे जो न्यू प्लेयर थे उन लोगों के पास ना ही गन स्किन थी और ना ही अच्छे करेक्टर थे, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि भाई इसके अंदर जो ज्यादा पैसा लगाएगा वो अच्छा खेल पाएगा। हाँ देखो स्किल सबसे ज्यादा मैटर करती है, लेकिन आप लोगों को ये बात माननी पड़ेगी कि फ्री फायर है तो पे टू विन ही। तो अपने न्यू प्लेयर्स भी फ्री फायर के अंदर इतना कुछ खास इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे थे और जिन लोगों के पास अच्छा डिवाइस नहीं था वो तो पहले ही गेम को छोड़ चुके थे। अब सिर्फ फ्री फायर को वही लोग खेल रहे
रहते हैं जो फ्री फायर को बहुत पहले से खेलते आ रहे हैं, यानी कि फ्री फायर के ओल्ड प्लेयर्स। लेकिन अपने गरीना फ्री फायर ने अपने ओल्ड प्लेयर्स के भी अहल लगा दिए, क्योंकि जितने भी पुराने रेयर आइटम्स थे, रेयर बंडल्स थे, रेयर ड्रेसेस थे, वो सारे की सारी रिटर्न्स दे दी। तो जो लोग मेरी तरह फ्री फायर के ओल्ड प्लेयर्स हैं, उन लोगों को पहले खेलने में एक फीलिंग आती थी, उन लोगों को एक वैल्यू मिलती थी कि हाँ भाई इसके पास ये ड्रेस है तो ये ओल्ड प्लेयर है, तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन अभी के टाइम में सब कुछ रिटर्न दे दिया भाई, अब तो पता ही नहीं चलता कि कौन ओल्ड प्लेयर है और कौन न्यू प्लेयर है। अभी काफी सारे लोग बोलेंगे हाँ तो क्या हुआ, अगर अपने हिप हॉप को रिटर्न दिया तो उसके बदले में गोल्डन सकुरा गोल्डन हिप हॉप भी तो दिया ना, तो ओल्ड प्लेयर्स को तो उन लोगों की आइडेंटिटी मिल गई ना कि हाँ भाई अगर तुम्हारे पास गोल्ड सकुरा है, गोल्डन हिप हॉप बंडल है, तो तुम भाई ओल्ड प्लेयर हो। चलो मान लिया, हिप हॉप बंडल का भी मान लिया। लेकिन काफी सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों के पास हिप हॉप बंडल नहीं था, क्रिमिनल्स बंडल थे और भी बहुत सारे रेयर बंडल थे, जो कि सारे के सारे रिटर्न दे दिए, सारे के सारे पुराने रेयर आइटम्स रिटर्न दे दिए, सारे के सारे पुराने रेयर बंडल्स रिटर्न दे दिए, जिसकी वजह से फ्री फायर के ओल्ड प्लेयर्स का, सभी ओल्ड प्लेयर्स का फ्री फायर से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट चला गया। और सच बताऊं तो बहुत बुरा लगता है यार, हालांकि हमारे पास अभी गोल्डन सकुरा गोल्डन हिप हॉप है, लेकिन उसको पहन के खेलने में वो फीलिंग नहीं आती जो पुराने हिप हॉप को खेलने में आती थी। तो इसी रीजन की वजह से अपने पुराने फ्री फायर के जो प्लेयर थे उन लोगों का भी इंटरेस्ट फ्री फायर से चला गया। अब यहाँ पे देखो, काफी सारे लोग इसलिए गेम नहीं खेल सकते क्योंकि फ्री फायर मैक्स उनके फोन में रन नहीं कर सकता और नॉर्मल फ्री फायर बैन हो चुका है, और न्यू फ्री फायर प्लेयर इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि उन लोगों को लगता था कि गेम तो पे टू विन है भाई। अभी आप लोग समझ सकते हैं कि फ्री फायर के डाउनफॉल का रीजन सिर्फ और सिर्फ बैन होना नहीं था, और भी बहुत सारे रीजन थे जिसकी जिम्मेदार अपनी पूरी की पूरी गरीना फ्री फायर। लेकिन अभी बस एक काम ठीक कर दिया इन लोगों ने कि अपने सारे कैरेक्टर्स को ये लोग गोल्ड में दे रहे हैं। अब रह गए तो बस गन स्किन के एट्रीब्यूट्स, इनको भी रिमूव कर दो तो भाई जो न्यू प्लेयर्स रहेंगे उन लोगों को भी खेलने में मजा आएगा, उन लोगों को लगेगा कि अपना गेम पे टू विन नहीं है और धीरे धीरे अपना फ्री फायर दोबारा से वापस से ग्रो करेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। By the way guys, आप लोग क्या चाहते हो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि सच में सभी गन स्किन्स के एट्रीब्यूट को रिमूव कर देना चाहिए ताकि फ्री फायर सभी लोगों के लिए एकदम बराबर हो जाए, पे टू विन ना रहे, सिर्फ और सिर्फ स्किल पे डिपेंड रहे। लेकिन यार मैं भी चाहता हूँ कि अपना प्यारा फ्री फायर, अपना ओल्ड फ्री फायर रिटर्न आ जाए। एक उम्मीद की किरण फिर से जागी है, लेकिन ऐसी उम्मीद की किरण कितने बार जाग के बुझ चुकी है, तो इस बार भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। बस आई होप कि अपना पुराना फ्री फायर रिटर्न आ जाए, लेकिन साथ में ये भी डर है कि अगर पुराना फ्री फायर रिटर्न आ गया तो क्या पहले जैसे सब कुछ हो पाएगा। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में अपना फ्री फायर रिटर्न आएगा, क्या सच में फ्री फायर इंडिया में अनबैन हो जाएगा। अगर आप लोग भी मेरी तरह चाहते हो कि अपना पुराना फ्री फायर, अपना पुराना प्यारा फ्री फायर रिटर्न आ जाए, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके मेरे से अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। जब तक के लिए मैं आप लोगों से मिलूंगा एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। आई लव यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ।